अंकल भी पहने हुए हैं। गुड मॉर्निंग, आ गए चलने के लिए तैयार दर्शन के लिए। और देखिए ये पहुंच गए हैं नागेश्वर महादेव मंदिर, ये बैठे हमारे भोलेनाथ। दोस्तों देखिए अपने मंदिर की पीछे वाली बिल्डिंग, सब्जी पूरी तो बढ़िया है। दोस्तों अभी हम रास्ते में रुके हैं एक बीच पर, ये है महादेवपुर बीच। बीच के किनारे ये देखिए ये फ्रेश बिल्कुल नारियल पानी के मजे की बात ही अलग है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? बढ़िया हो? बिल्कुल, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज है 10th of July, यानी कि सावन का पहला सोमवार, आज ही के दिन है। तो दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 5:15 AM। तो आज हम सब बहुत ही जल्दी जग गए हैं क्योंकि हम लोग को आज सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाना है। हम सबसे पहले जाएंगे नागेश्वर महादेव मंदिर, देन उसके बाद हम लोगों को जाना है सोमनाथ महादेव मंदिर। और यहाँ से सोमनाथ की डिस्टेंस अप्रॉक्स कुछ 300 किलोमीटर के आसपास है, जो कि लगेगा हम लोगों को रास्ते में टाइम 5 घंटे। तो आज पहला सोमवार है तो आज 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, तो इसीलिए आज हम लोग गए जल्दी उठ गए। मैं तो सुबह 4:30 बजे उठ गया था और 5:15 बजे देखिए रेडी हो गया हूँ, है ना। तो आज जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज 2 ज्योतिर्लिंग कवर करने, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, है ना। एंड मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब लोग भी रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग अभी नहा रहे हैं, कुछ लोग अभी रेडी हो रहे हैं, लेकिन मैं रेडी हो गया हूँ। अपना काम मैंने फुल एंड फाइन कर दिया है। सो आज ये मैंने पहना है ग्रीन कुर्ता, ये देखिए कैसा लग रहा हूँ, बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा मेरा आउटफिट, सही लग रहा हूँ। ये देखिए अपना ग्रीन कुर्ता पहना है आज, और बाकी लोग भी आज सब ग्रीन ही पहनेंगे। एंड बाहर देखते हैं दिन हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा बहुत। अरे ये तो अंधेरा बड़ा भाई, अंधेरा चारों तरफ, अंधेरा ही अंधेरा है। सभी ग्रीन घर में भूल गई है। और तो कुछ लोग ग्रीन पहने हुए, आंटी ग्रीन पहनी है, अंकल ग्रीन पहने हुए हैं। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अब हम सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वो देखिए सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से नागेश्वर महादेव मंदिर। और ये अपनी गाड़ी तैयार कर रही है, है ना। और ये गाड़ी ये खड़ी है, तो बस चली गाइस निकलते हैं यहाँ से, तो करते हैं महादेव के दर्शन। और सभी श्रद्धालु आ गए चलने के लिए तैयार दर्शन के लिए। और देखिए सभी लोग रेडी हैं, जा रहे अपनी गाड़ी में बैठने सोच रहा हूँ, तो यहाँ से निकल रहा हूँ। जीजू बैठ के अंदर हाथ दिखा रहे हैं। नागेश्वर महादेव मंदिर, ये बैठे हमारे भोलेनाथ। और ये मंदिर है, हमको लग रहा है सबसे पहले हम ही लोग आए हैं, थोड़ा बहुत कीचड़ भी है। तो यहाँ पे सब लोग पहले स्लीपर्स निकालेंगे अपनी। सावन के पहले सोमवार में कोई भी ज्योतिर्लिंग इतना खाली नहीं मिलेगा, तो भैया हम लोग तो बहुत लक्की हैं जो कि इतना खाली मिला है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सभी थालियाँ रखी हुई हैं, हर थाली का अपना अलग अलग रेट होता है पूजा के हिसाब से। और जो भी इंसान यहाँ पे आता है पूजा कराने के लिए ज्योतिर्लिंग पे, तो अपने हिसाब से थाली लेके पूजा की सामग्री लेके वो यहाँ पे बैठ के पूजा करता है। और ये देखिए सामने हमारे बैठे हैं भोलेनाथ, आप लोग दर्शन कीजिए, जय शिव शंभू। और ये देखिए यहाँ पे सभी, मेरी फैमिली जा चुकी है अंदर, मैं बाहर हूँ क्योंकि मुझे बनाना था आप लोगों के लिए वीडियो, तो मैं बाहर हूँ। बाकी सब देखिए अंदर बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, और पूजा काफ़ी बढ़िया हुई थी, मैं तो बाहर से पूरा देखा था। और मैं बाद में गया था अंदर, लेकिन वही है ना, अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, तो मैं वो नहीं डाल पाया, लेकिन जितना मैं डाल पाया वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए सामने पूजा चल रही है, सामने ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के सामने ये यहाँ पर माता जी की मूर्ति एक है, और इधर ये सब दुकानें वगैरह हैं जो आप सामान ले सकते हैं, कुछ किताबें वगैरह भी मिल रही हैं, देखिए धार्मिक ग्रंथ वगैरह भी हैं, आप यहाँ पे अपने शॉपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हर सोमवार का कुछ इस तरह का रुद्रभिषेक का ये देखिए प्राइस लिखा हुआ है, रुद्रभिषेक 501 रुपये, 4 सोमवार अमावस रुद्रभिषेक 2501 रुपये। तो ये है
था सोमवार का, ठीक है, जिसको भी कराना हो ये देख सकता है, आगे करा सकता है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि अभी मैं हूँ नागेश्वर महादेव मंदिर में, लेकिन क्या आप लोगों को नागेश्वर का अर्थ पता है? नहीं, तो चलिए मैं बताऊँ, नागेश्वर का अर्थ होता मतलब नागों के भगवान, है ना, नागों के देवता, कौन, भगवान शिव हमारे। और ये जो नागेश्वर महादेव मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो द्वारिका से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप अगर द्वारिका आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, भीड़ इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर जो गुजराती होते हैं ना, उन लोगों का जो सावन होता है वो 15-20 दिन लेट शुरू होता है ना। हम लोग तो यूपी वाले हैं, हम लोग जो नॉर्मल डेज होते हैं सावन का वहीं से शुरू होता है, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ कम है। लेकिन कुछ भक्त आ रहे हैं, मतलब भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपने यूपी में होती है। आज अपने यूपी में कोई भी नॉर्मल मंदिर में चले जाइए, आप लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए खाली है, क्योंकि यहाँ पर गुजरातियों का जो सावन होता है वो लेट से होता है, इस वजह से। देखिए इन लोग की पूजा खत्म हो गई है, अब सब बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए भीड़ अब लग गई है, ये सब लाइन लगे हुए हैं पूजा के लिए, अंदर जो पूजा होती है। और यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई है, सब बाहर आ रहे हैं। दोस्तों देखिए अपने मंदिर की पिछली बिल्डिंग जो काफ़ी सुंदर लग रही है, ऊपर देखिए झंडा लहरता हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये मंदिर का साइड वाला हिस्सा है, और इधर शनि मंदिर, और यहाँ पर भी देखिए भोलेनाथ बैठे होंगे। ये देखिए भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गए हैं, यहाँ से दर्शन वगैरह करके अब हम जा रहे हैं अपने वापस होटल, होटल में करेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे सोमनाथ, है ना। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, अब हम गाड़ी को निकाल रहे हैं, चले बैठते गाड़ी में और पहुँचते थे होटल। सो फ्रेंड्स हम लोग नागेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करके आ गए अपने होटल पर, और अब जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे क्योंकि सोमनाथ, है ना, ठीक है। अब यहाँ से करना चेकआउट, क्योंकि अब निकलना है यहाँ से सोमनाथ के लिए, तो फटाफट से जाते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे वो आपको दिखाते हैं। अभी आए नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है ये सब्जी, आलू की और पूड़ी है, पोहा है, इडली है, और ये सांभर, सांभर थोड़ा कम लिया क्योंकि यहाँ पे सांभर जो है मीठा है, और मीठा मुझे थोड़ा कम ही पसंद है, और वहाँ पर लगा उधर परफेक्ट वहीं से लिया है। चलिए गाइस खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। सब्जी पूरी जो बढ़िया है बहुत ट्राई करते हैं, वो हाँ भी बढ़िया है, मुझे लगा मीठा होगा लेकिन नमकीन है, बढ़िया है, बस ये सामान थोड़ा सा मीठा है। उधर ब्रेकफास्ट करने के बाद ये है चाय और ब्रेड एंड बटर, तो अब इसका मज़ा लेंगे और देखेंगे कैसा है। चाय तो बढ़िया थी, लोगों की कल भी अच्छी थी और आज भी वैसे ही अच्छी ही है, मैं पी चुका हूँ, बढ़िया कल की तरह। ब्रेड बटर कैसा था हम लोगों का ब्रेकफास्ट? बढ़िया, मेरा बढ़िया। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने लिए थे ब्रेकफास्ट, और ये पूरा लगा हुआ बफेट, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी। देखिए ये इसमें, और ये उधर वाटरमेलन ले रहे हैं, और इसमें देखिए ये थी इडली गर्मा गर्म है, और ये चटनी है कोकोनट, इसमें सांभर, इधर की पूड़ियाँ, और ये आलू की सब्जी, ठीक है, और ये पोहा, वाटरमेलन जूस, और इधर ये बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, और ये चौको से मिल्क मिल जाएगा आपको गर्म, और ये देखिए ब्रेड बटर, और इधर ये चाय। तो ये कुछ यहाँ का ब्रेकफास्ट का जो बफेट था कुछ इस तरह का था। ये देखिए यहाँ से अब सभी लोग सोमनाथ जाते हुए द्वारिका से सब लोग निकल रहे सोमनाथ के लिए, और गाड़ी में थोड़ा सारा सामान जा रहा है, सब लोग रेडी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा। चलते हैं हम यहाँ से सीधे सोमनाथ, और यहाँ पे इस होटल को उन्होंने बाय बाय कर दिया है। इस होटल में भी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा होटल था, और फूड वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, नीचे रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह सब बढ़िया था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ बढ़िया था। यहाँ से जा रहे हैं तो सोमनाथ।
दोस्तों जब हम लोग द्वारका से सोमनाथ जा रहे थे तो हम लोग को यह दिखा माधवपुर बीच, जहाँ पर हम लोगों ने उतर के काफ़ी मज़े किए। और यहाँ पे हवा और टाइड्स तो भाई काफ़ी बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन भैया मज़े हम पूरे किए थे। दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं एक बीच पर, ये है माधवपुर बीच। तो बीच पे ले रहे हैं भैया से नारियल पानी, और जो सामने बीच हमें लेते हैं नारियल पानी, चार दीवे ना मलाई वाले। भैया मलाई वाला 40 का दे रहे हैं और पानी वाला 30 रुपये का। और आप यहाँ आएंगे तो आपको कैमरा चार बीच के किनारे, ये देखिए ये फ्रेश बिल्कुल नारियल पानी के मज़े की बात ही अलग है। वाह, ये टैबलेट भी होती है अगर आप लोग आए तो आप कितना जरूर है, लेकिन बात करें अगर टाइड्स की तो देखिए बिल्कुल उफान पर है। फ्रेंड्स अभी देखिए बिल्कुल आ गए कुछ सी के पास, अब पूरा मजा लेते हुए बीच का आनंद उठाते हुए, हवा बहुत बढ़िया चलती हुई। और एंड चीनू और सुबह दोनों लोग सैंड से खेल रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा भाई, लोग मेन तो ये था कि बीच पे जाना है, बीच पे जाना है। फ्रेंड्स ये देखिए ये है अपना अंदर से होटल, सामने देखिए शिव जी, और ये देखिए कुछ इस तरीके का है, बहुत रूम है इसमें। तो ये है अपना कुछ बाहर से देखिए होटल कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे बारिश, यहाँ तो बारिश का मौसम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में होया करती है। चलिए चलते हैं अंदर, और सारा सामान वगैरह देखिए रखा हुआ है ताकि तो दोस्तों अब आ चुके हम लोग सोमनाथ में। सुबह 10 बजे द्वारका से चले थे और शाम के 4 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। 6 घंटा लगा, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, 4 से 4.5 घंटा लगता है द्वारका से सोमनाथ आने में। थोड़ा हम लोग रास्ते में रुके वगैरह भी थे ना बीच पे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, है ना। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, क्योंकि अब जाना है सोमनाथ दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर कुछ फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो इस वजह से सारा फ़ोन वगैरह सब यहीं रख के जाना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब Thank you.